नमस्ते सलाम सत श्री अकाल एंड वेलकम टू व्लॉग एवरीवन, दिस इज अक्षय सिंह ऑन माय चैनल आई एम वॉल्यूम की। आज हमने आपके लिए फिर से एक नया प्रोडक्ट लाया है इनस्केप ड्रीम की तरफ से। आज कौशिक भाई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ये वीडियो को प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो हमने लॉन्च कर दिया हमारा वर्जन 3 फॉर KTM 250 एंड 390 एडवेंचर। सो इसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं, ये एक्चुअली वर्जन 1 और वर्जन 2 का काम एक साथ करेगा, प्लस ये मल्टीपर्पज यूज़ के लिए आएगा आपको। ये आप ऑन रोड, ऑफ रोड एंड टूरिंग पर्पजेस सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये फर्स्ट विंडस्क्रीन है फॉर KTM 250 एंड 390 एडवेंचर, जो एडजस्टेबल मॉड के साथ आ रहा है। मैं आपको आपका इसका एडजस्टमेंट फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये एक एडजस्टेबल विंडस्क्रीन है, इसमें 4 बोल्ट्स हैं जिसको आप लूज़ करके आपके विंडस्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप टूर कर रहे हैं और विंड ज़्यादा है तो आप इसे पूरी तरह ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप सिटी कंडीशन में चला रहे हैं, आप इसे पूरी तरह नीचे रखें तो भी इसमें इतना स्पेस ऊपर रह जाता है, जो आपको सिटी टूरिंग में काम आ जाता है, सिटी राइड में काम आ जाता है। ऑफ रोडिंग के टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो आगे का भी इस स्क्रू को पूरी तरह निकाल के रख सकते हैं, चाहे तो इसे ऐसे लॉक करके भी रख सकते हैं, चाहे तो इसे निकाल के भी रख सकते हैं। तो ऑल पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए, ऑल राइडिंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये विंडस्क्रीन को बनाया है। तो इसे आप ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ये बेसिक एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं इसके साथ। इसका टोटल हाइट खोलने के बाद, अगर आप इसे पूरी तरह खोलते हैं तो इसका टोटल हाइट हो जाता है 18.5 इंचेस, जो हमारे वर्जन 1 और वर्जन 2 से काफ़ी बड़ा है। अगर आप ऊपर वाला पीस, जो टॉप पीस है, अगर वो निकाल देते हैं तो ये पीछे का पीस जो है वो हमारे वर्जन 1 से 1 इंच छोटा है, यानी कि वर्जन 1 हमारा 15 इंचेस का था, ये पीछे का पीस 14 इंचेस का ऑल टुगेदर। एंड इन टोटल अगर आप पीस को पूरी तरह ओपन करते हैं तो ऊपर 18.5 इंचेस। फिटिंग रोकने के लिए हमने यहाँ पर एक स्पेस ऐड किया है जहाँ से एयर क्रॉस हो सकता है, और आपको विंड बफेटिंग का जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम तरीके से वो रोका जाएगा, कंप्लीट बफेटिंग तो नहीं जाएगा, बट स्टिल अ लिमिट ऑफ एयर विल बी पास थ्रू इट, जिसकी वजह से विंडस्क्रीन पर भी प्रेशर नहीं आएगा और आपके ऊपर से विंड बफेटिंग भी चला जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट जो हमने यहाँ पर मेंटेन रखा है वो इसका माउंट है, जो हमारा कंपनी का स्टॉक माउंट आता है, हमने स्टिल वर्जन 3 में भी उसे रिटेन कर लिया है। यहाँ पर हमने इसके हाइट को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड से एक एल्युमिनियम स्ट्रिप ऐड की है, जो वर्जन एंड वर्जन 2 में यहाँ पर आपने प्लास्टिक के पीसेस देखे थे जो माउंटिंग के लिए हमने यूज़ किए थे, इस बार हमने एक एल्युमिनियम का रॉड यूज़ कर लिया है जिससे कि ये पॉलीकार्बोनेट पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट इट्स विंडस्क्रीन की ये है कि ये बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट से, जो खुद में एक अनब्रेकेबल मटेरियल है, और इसका टोटल विड्थ 4 mm का है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट मुझे ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इतना बड़ा फीचर चेंजेस किया है इनस्केप ड्रीम्स, वापस कॉस्ट ऊपर लेके जाएगा, तो नहीं, हम कॉस्ट ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे। वी आर कीपिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 3,500 रुपीज़, बट इफ़ यू आर बुकिंग इट बिफोर 31st of March 2021, आपको ये प्रोडक्ट 3,250 रुपीज़ में मिलेगा विथ शिपिंग। सो ऑल द KTM 390 एंड 250 एडवेंचर राइडर्स, गियर अप। So this was all about the product, version 3 by Inscape Dreams for KTM 250 and 390 Adventure. So KTM riders, don't wait, just go ahead and buy this product. This is the time to say, this is Akshay Singh signing off from IIM Valmiki. Bhago, link description mein, sab kuch niche hai, fatafat jaake le lo.